6.1 थ्योरम अप टू डेट किए थे। थ्योरम मीन्स क्या हुआ, वेरीफाइड स्टेटमेंट्स हुआ, इसको जानने करने की कोई आवश्यकता नहीं, बेहिचक आप मैथमेटिक्स के फील्ड में कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट 6.1 में हम लोग पढ़े थे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, उसी का हम लोग आज एप्लीकेशन के संदर्भ में पढ़ेंगे कि आखिर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स लाइनर पेयर एक्जम्स कन्वर्स ऑफ लाइनर पेयर एक्जम्स का आज हम लोग एप्लीकेशन यूजेज पढ़ेंगे कि आखिर जो हम लोग विगत क्लासेस में पढ़े ऑनलाइन क्लासेस में उसका आखिर यूज क्या है। आज आप लोग विथ कॉन्सेप्टली आप जब ऑनलाइन क्लासेस को ऑन करेंगे तो केयरफुल अटेंशन तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखिए आपकी किताब में तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक लाइन है ए बी, ए बी आपका लाइन है डियर स्टूडेंट्स, और यह एक रेज है, यह एक रे है, यह ऊपर की स्टैंड है, इधर भी आपका ओई है, तो इसका जो लाइन सेगमेंट बनाया गया है ओसी, इधर बनाया गया ओई। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है, इंफॉर्मेशन में सबसे पहले तो मोस्ट है कि हम लोग जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करते हैं तो हमारे प्रोसेस, जब हम प्रोसेस को फर्दर की तरफ ले चलते हैं तो परेशानी महसूस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर है 70 डिग्री, इसको सिंबल में दीजिए ए ओ सी और बी ओ ई, आपका ये दिया गया है 70 डिग्री, और बी ओ बी 40, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ आई जो मैंने पहले भूल गया था, ये बी ओ डी जो है यह 40 डिग्री है। डियर स्टूडेंट्स तो आपको करना है क्या, फाइंड द वैल्यू बी ओ ई, बी ओ ई बराबर वाट बी ओ ई, और दूसरा निकालना आपको है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल आपको निकालना है डियर स्टूडेंट्स सी ओ ई। तो सबसे पहले आपको पता है, देखिए हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे 6.1 थ्योरम का। हम लोग पढ़े थे कि वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट आर इक्वल टू ईच अदर, यह 40 है तो यह भी 40, सिंपल में ही बना रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्स बराबर 40 अकॉर्डिंग टू 6.1 थ्योरम, अकॉर्डिंग टू 6.1 थ्योरम, ये वर्टिकल अपोजिट आपका 40 हुआ, एक्स बराबर भी 40, यहाँ 40 लिख ली। अब देखा जाए आपको गिवन है, देखिए इंफॉर्मेशन से कितनी आपको सहूलियत मिलती है, कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट एओसी, तो एओसी मैंने फाइंड किया 40 डिग्री, अब देखिए कितना सहूलियत हुआ हमको, इंफॉर्मेशन जब पहले मैंने इकट्ठा कर लिया अपने आप को प्रोसेस में ले जाने के पहले, यहाँ लिखिए 40 डिग्री, कोण बीओई बराबर 70 डिग्री, और कोण बीओई बराबर 70 में गया 40, आपका हो गया डियर स्टूडेंट 30 डिग्री। अब निकालना है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स निकालना है सीओई, ये हो गया आपका 30 डिग्री सीओ। रिफ्लेक्स व्हिच एंगल इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। व्हाट डू मीन रिफ्लेक्स एंगल डियर स्टूडेंट्स, which angle is greater than 180 and less than 360 is called reflex angle. तो reflex angle निकाला आपको है, reflex angles. तो 360 में क्या कीजिए, COE का मान घटा दीजिए, COE. तो dear students, COE कितना आपका हुआ? COE आपका कितना हुआ था? पहले COE निकालिए. 40 degree plus 30 डिग्री प्लस सीओई बराबर 180, डिफरेंस एग्जाम 6.1। आप देखिए आपने तो पहले समझा था कि इसको कोई आवश्यकता क्या,
सर क्यों पढ़ा रहे हैं, इस एग्जाम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, इस एग्जाम की क्या हमारे पास आवश्यकता है, क्योंकि आज के डेट में आज के क्लासेस में ये लाइनर प्रेयर एग्जाम से आपका हुआ नेगेटिव होता है। तो जिसमें 40 या 30 70 हुआ तो सीयूई का वैल्यू आपका हो गया 180 घटाओ 70, डियर स्टूडेंट्स बराबर 110। आप रिफ्लेक्स एंगल निकाल लीजिए, 360 में गया 110, तो 0 हो गया, 6 में 1 गया 5 हो गया, और इधर आपका हो गया 3 में 1 गया 2, 250 डिग्री डियर स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एंगल हुआ। अब देखिए हम लोग अपने सफर, अपने इस टॉपिक को अपने सफर में आगे की तरफ ले चल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक फिगर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर, तो पहले फिगर को आप खींचिए, एक ऐसे दिया हुआ है और या एक लाइन देकर या एक लाइन देकर लाइन सीमेंट बनाया गया है, इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई। उसके बाद एक परपेंडिकुलर एंगल्स हैं, परपेंडिकुलर एंगल्स ऊपर है, इसका नाम रखा गया है POY, POY के 90 डिग्री लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर दिया है A और ये दिया हुआ है B, तो डियर स्टूडेंट्स इसका वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C, यहाँ पर दिया हुआ है C बराबर Y, C बराबर Y, तो डियर स्टूडेंट्स C का पता तभी चलेगा जब आपका B इन्फॉर्म, B कंफर्म होंगे, क्योंकि B एंड C आर वर्टिकल अपोजिट्स, जितना B होगा उतना ही C होगा, जितना B होगा उतना ही C होगा। According to figure, A plus B बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये जो आता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो A plus B बराबर 90 और A और B का अनुपात 2:3 दिया गया है, 2x plus 3x बराबर 90, 3 × 5x बराबर 90, x बराबर आपका 18 डिग्री, x हो गया आपका 18 डिग्री, तो A का वैल्यू 2x, ये हो गया 36 डिग्री, और B का वैल्यू हो गया 3x, 18 या 54 डिग्री। आप A बराबर लिख सकते हैं, A बराबर 2x, 18 गुना 2 डिग्री बराबर 36 डिग्री, B बराबर लिख सकते हैं 3x, 18 गुना 3 बराबर 54 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से B का वैल्यू 54, अकॉर्डिंग टू 6.1 थ्योरम में वर्टिकल एंगल क्या होता है, इक्वल होता है बराबर कोण B, तो C B का वैल्यू 54 डिग्री, इस प्रकार कोण C बराबर भी होगा आपका 54 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स आपने शायद फील किया होगा कि जो मैंने 6.1 एग्जाम उसका अपोजिट्स और 6.1 थ्योरम जो हम लोग डेट किया था उसका क्या एप्लीकेशन होता है, आपने आज एक सेटिस्फैक्ट्री आपको मिला होगा कि वास्तव में कि थ्योरम पढ़ने के पहले, एक्सरसाइज शुरू करने के पहले जो भी हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्स या कॉन्सेप्ट, वो बड़ा ही बेनिफिशियल होता है। एक क्वेश्चन और हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा मैं बढ़ा देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, और जब भी इस ऑनलाइन क्लासेस को देखेंगे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इससे क्या होगा जब सब्सक्राइब की संख्या अधिक रहेगी तो शिक्षक लोगों को भारी एनर्जी मिलती है, जैसा आप लोगों को भी पता है। अगर आप किसी प्रकार के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आपके रिप्रेजेंटेशन के समर्थन में अगर हजारों तालियां बजती है तो आपका जोश, आपको एक बड़ी मात्रा में एनर्जी मिलती है, वह एनर्जी आपके एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। वही बात हम लोगों के साथ में भी होता है, PQR बराबर PRQ, PQR बराबर PRQ, PR के दोनों बराबर है, जिसमें x x मान लीजिए गिवन इंफॉर्मेशन है, ये आपका इंफॉर्मेशन है कोण PQR बराबर कोण PRQ इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में बराबर x, तो प्रूव दैट PQS बराबर आपको प्रूव करना है, प्रूव करना आपको है
कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। डियर स्टूडेंट्स अब देखिए पुनः कोण एक्स एक्स प्लस कोण पी क्यू एस माने कि कहां से लाइनर पेयर एग्जाम्स। अब देखिए पुनः लाइनर पेयर एग्जाम का मैंने क्या किया एप्लीकेशन किया कोण एक्स प्लस कोण पी आर पीआरटी बराबर 180। डियर स्टूडेंट्स इसमें भी लाइनर पेयर एग्जाम 6.1 एग्जाम्स। अब चलिए इसका कीमत 180 इसका कीमत 180 यह दोनों भी टर्म्स क्वांटिटी सेम होगा x बराबर इसे क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PQS बराबर x प्लस कोण PRT x x रिमूव कीजिए कोण PQS बराबर कोण PRT। डियर स्टूडेंट्स कल मैं पुनः अपने ऑनलाइन क्लासेस का सर्च करूंगा देखेंगे हमारी क्लास में जितने स्टूडेंट्स अध्ययनरत है उतना सब्सक्राइब हुआ या नहीं है। अगर उतना सब्सक्राइब होता है तो मुझे बहुत भारी संतुष्टि मिलेगी मुझे बहुत भारी एनर्जी मिलेगी और आपके मैटर मतलब कि विषय वस्तु को आगे की तरफ बढ़ाने में वो अधिक हमारा पूंजी होगा कैपिटल होगा। थैंक यू वेरी मच।